सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। भारत के भविष्य के मैंड और अनमैंड प्लेटफॉर्म्स के परीक्षण के लिए नया पता होगा। ATR CO DRDO वरुकवाल विलेज चिलाकरेट चित्रदुर्गा जिला कर्नाटक। अब से लड़ाकू विमानों और मानव रहित प्लेटफॉर्म भारत की सैन्य तैयारी को बढ़ाने के लिए मिशंस को अंडरटेक करते हुए चिलाकरेट की स्काइस पर जेटिसन करेंगे। बेंगलुरु से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR का उद्घाटन हुआ। ये जल्द ही DRDO के चल रहे और फ्यूचर एरोनॉटिकल प्रोजेक्ट्स का घर होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी चिलाकरे में लैंड कर रहे हैं। एरोस्पेस माइंड्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में टुगेदरनेस इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छी है। DRDO ऑफिशियल्स का कहना है कि फैसिलिटी को फेज 2 में एक्सटेंड किया जाएगा और इसका रनवे अभी के 2.2 किलोमीटर से लंबा करके 3.2 किलोमीटर कर दिया जाएगा। एडिशनल हैंगर्स और अदर जेन नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज भी ATR के लिए बिल्ड की गई है। हैंगर स्मार्ट फेंसिंग के अंडर होंगे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जब द कैल्सियम मार्क 2 तैयार होगा, ATR एक एक्सटेंडेड रनवे और दूसरी फैसिलिटीज के कारण फाइटर ऑपरेशंस के लिए इंतजार कर रहा होगा। उसके पहले होपफुली AWOC यहां से अपने मिशन शुरू कर देगा। सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स के एक ऑफिशियल ने कहा कि हम इसे यहां पर जल्दी से जल्दी लैंड कराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। AWOC के पायलटों ने ATR पर उतरने के लिए उद्घाटन से पहले अपने ऋषि के रूप में कई प्रयास किए, जिनमें स्टीप टेक ऑफ की ऑप्शन भी थी। ऑफिशियल ने कहा कि जब हमने ATR को प्लान किया था, तब हमने AMCA और UCAV घातक की जरूरतों को भी ध्यान में रखा था। ATR के कई उपयोग हैं और ये केवल फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ही नहीं है। हम इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए भी करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।